कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा सुसङ्गो कवितन्मनि। कमाल है, पुलिस के आने के पहले ही आप हर जगह पहुंच जाते हैं। आपको कुछ पता लगा? जी नहीं सर। जब आपको नहीं पता लगा तो हमको कैसे पता लगेगा? जैसे ही हमको पता लगेगा हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो और एक सवाल। आप अभी काम करने दीजिए, नो कमेंट। माने सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये मीडिया वाले हम लोग से पहले कैसे पहुँच जाते हैं सर? तुम्हारी ये बात समझ में आ जाती तो तुम मीडिया से पहले नहीं पहुँच जाते। जी माने, समझ गया। काम इस लड़की को गोली मारी गई है। सर, ये लड़की यहाँ पे आई कैसे होगी सर? अरे आई होगी अपने यार से मिलने, और क्या। सर, सर। आ गए ऑफिसर। केस वेरी सिंपल, पर अब वो बाल की खाल निकालेंगे। माने, तुम भीड़ को कंट्रोल करो और याद रखना, चैनल वाले अगर कोई सवाल पूछे तो मुंह मत खोलना, वैसे ही तुम्हारा मुंह खुला रहता है। जी। और मैं इनको कंट्रोल करता हूँ। गो। ओके सर। सर, मैं इंस्पेक्टर गोपी सावंत। हाँ सावंत, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है?
सर लगता है ये लड़की अपने किसी यार से मिलने आई थी और लड़की से पिंड छुटाने के लिए इसके यार ने इसको गोली मार दी। सिंपल सर। अच्छा लड़की कौन है मालूम चला? सर पूछताछ चल रही है अभी। सर क्या इरादा है? ये तो लड़की के चप्पल के निशान है लेकिन इस तरफ तो घनी झाड़ियां हैं। ये लड़की इस तरफ क्यों जाएगी सर? सावंत लड़की जंगल की तरफ गई नहीं, जंगल की तरफ से आई। ये जो एड़ी है सर इसके निशान जंगल की तरफ जाने वाले नहीं, जंगल की तरफ से आने वाले। सर एब्सोल्युटली राइट सर। इस पूरे एरिया की अच्छे से छानबीन करने हो। यहां देखिए सर, यहां पर एक पर्स पड़ा हुआ है। खोलो सर। ये पर्स शायद लड़की का होना चाहिए। लेकिन सर लड़की यहां आएगी क्यों? अपने यार से मिलने? अभी ने कहा करेक्ट सर, करेक्ट सर। अरे सर मोबाइल भी है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मालूम चल जाएगा लड़की कौन है। लड़की कौन है क्या यही उद्देश्य है आपकी इन्वेस्टिगेशन? सर बाकी बातें तो बाद में हो जाएंगी। देखिए मिस्टर सावन, आपकी इन्वेस्टिगेशन और मेरी इन्वेस्टिगेशन में खासा फर्क है। आपकी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है कि आपको ये पता लग जाए कि लड़की कौन है, और मेरी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है
तो मुझे ये पता लग जाए कि अपराधी कौन है। इस रिवॉल्वर के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाने हैं और मौका वारदात के फुटमार्क्स। राइट सर। इमीजिएटली लेखा मोबाइल की पूरी जन्म पत्री मुझे चाहिए पर्स से। यस फास्ट। सर हमको क्या करना होगा? आपको आप गाड़ी के टायरों के निशान की तस्वीर मुझे दीजिए। गाड़ी के टायरों के निशान? लेकिन सर वो कहाँ मिलेंगे? वो अभी हमें ढूंढना है। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई। वेरी गुड। ओएस जी, रिवॉल्वर पर लड़की की उंगलियों के ही निशान थे। सर मुझे एक बार समझ में नहीं आती कि असली रिवॉल्वर में नकली गोलियां क्यों थी। निखिल, अगर रिवॉल्वर में असली गोलियां होती ना तो वहां पे लड़की की जगह एक दो तीन लोगों की लाशें मिलते हैं। सर एक दो तीन? मौकाए वारदात पे मुझे तीन लोगों के फुटमार्क और मिले, जिससे ये साबित होता है कि वहां पे निश्चित रूप से तीन लोग थे। लड़की जिनसे मिलने गई थी, लड़की उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन लड़की के रिवॉल्वर में नकली गोलियां थी और उन लोगों के पास जो रिवॉल्वर था उसमें असली गोलियां थी और लड़की मारी गई। 32 बोर की रिवॉल्वर से लड़की को मारा गया है। यानी कहानी ये बनती है कि प्रभा नाम की एक लड़की जो एग्नेस गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, एमकॉम का लास्ट ईयर था, अपने हॉस्टल से दूर एक निर्जन इलाके में मृत पाई जाती है। वहां पर उसका पर्स बरामद होता है जिसमें उसका मोबाइल है, कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान है, पास ही एक रिवॉल्वर मिलता है जिसमें नकली गोलियां हैं। 5 गोलियों वाले इस रिवॉल्वर में 2 गोलियां अभी भी मौजूद हैं जो नकली हैं, अर्थात वो लड़की 3 गोलियां चला चुकी थी जिसके नकली खोल अभी भी चैम्बर में मौजूद है। सर क्या इन्फॉर्मेशन बेटा? सर जिस रात उस लड़की का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले और उससे पहले दिन उसके मोबाइल पर कुल मिलाकर 22 कॉल आए थे। उसमें से 7 कॉल्स एक ही नंबर से किए गए थे और वो नंबर राजनगर के एक टेलीफोन बूथ का था। सर बाकी के नंबर किसके? सर बाकी के नंबर उसके फ्रेंड्स के थे और एक नंबर उसके घर का था। सर रेखा मुझे इन सारे नंबर्स के ओनर्स की जन्मपत्री चाहिए होगी। राइट सर। इंस्पेक्टर सावंत से मेरी बात हुई निकल, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि प्रभा के पिता रिटायर्ड कर्नल हैं, भटिंडा में रहते हैं, आज शाम की फ्लाइट से मुंबई आने वाला है। कल हमें प्रभा की लाश उन्हें सौंपनी होगी। राइट सर। और एक काम जो तुम लोगों को करना है ध्यान से सुनो, झाड़ियों के पीछे मैदान से 10 कदम अंदर हमें गाड़ी के टायरों के निशान मिले हैं, उसके प्रिंट्स मुझे चाहिए इमीडिएटली। राइट सर। कम हियर। लड़की की शक्ल को देखो निकल, लड़की के चेहरे के ऊपर घृणा और आक्रोश के भाव, इसका मतलब है कि लड़की के दिलो दिमाग में उन लोगों के प्रति बेइंतहा नफरत थी। सर हो सकता है कि इंस्पेक्टर सावंत की थ्योरी राइट हो और इस लड़की का वाकई में कोई प्रेमी रहा हो। मैं सावंत की थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं निखिल। पहली बात कि वहां पे एक आदमी नहीं था बल्कि 3 आदमी थे। दूसरी बात, प्रेम के भाव में बहके लड़की आधी रात को मरने के लिए नहीं गई थी वहां पे, बल्कि नफरत के आवेग में मारने के लिए गई थी उन लोगों को जिनके प्रति उसके मन में नफरत थी।
बाय द वे हमें गर्ल्स हॉस्टल चल के इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हेलो व्हाट ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड सर। हमें तुरंत गर्ल्स हॉस्टल पहुंचना होगा। लाश के सभी एंगल से फोटो ले लो। ले ली ले ली ले ली देखा। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। लाश का पंचनामा हो गया? यस सर। फोटोग्राफ भी ले जा चुके हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी अपना काम करके जा चुका है सर। मेरा कहने आत्महत्या की 100% सर। 100% सर। सर मेरे पास सुसाइड नोट भी है। सर मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया है कि ये राइटिंग और सुधा की कापियों की राइटिंग बिल्कुल मेल खाती है, और यहाँ की लड़कियाँ भी कहती हैं कि ये सुधा की ही हैंडराइटिंग है। आप कहें सर तो हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट के पास भेज दें। जी। लड़की ने जहर खाया है। यस सर। यस सर। सर दरवाजा बंद कर लिया था हमने, दरवाजा बड़ी मुश्किल से तोड़ा सर, और सारी तलाश करने के बाद सर हमें इस नोट के अलावा और एक मोबाइल मिला सर। मोबाइल आपके कब्जे में? यस सर। आपको कॉल डिटेल्स चाहिए तो मैं फौरन दे देता हूँ सर। वैसे ये सिंपल आत्महत्या का केस है सर। आत्महत्या का कारण? सर कोई यार वार होगा। सर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। सर हम यहाँ पे आए थे पेड़ की छाल निकालने, इन्होंने तो बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया। आज का दिन ही मनहूस है। सुबह नाश्ते के वक्त एसपी साहब की डांट खानी पड़ी, लंच का ऑर्डर किया तो एक घंटे में इधर पहुंचना पड़ा। अब पता नहीं डिनर मिलेगा भी कि नहीं। सावन? यस सर। प्रभावी? आई नो सर, आई नो सर। तो आपने की बात वार्डन से और यहाँ की लड़की? अगला कदम सर मेरा यही था। निखिल? ये सर। मैं प्रभा की रूममेट से बात करना चाहता हूँ। बात कराओ मैं। राइट सर। सर लगता है आपकी कुंडली गड़बड़ है, आपकी कुंडली में शनि ने प्रवेश कर दिया। नहीं तो मैं तेरी कुंडली बिगाड़ दूंगा। कमाल है। देखिए आप प्रभा की रूममेट, प्रभा के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं पिछले एक महीने से ही प्रभा के साथ रहने आई थी, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं 10 दिन के लिए बेलगाम गई थी क्योंकि मेरी नानी गुजर चुकी थी। ये मैं सुन चुका हूं। नीलिमा, प्रभा का मर्डर हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे नॉलेज में ऐसी बात जरूर होगी जिसका ताल्लुक प्रभा के मर्डर से है। प्लीज डोंट टॉर्चर मी। प्रभा ठीक ही कहती थी। क्या कहती थी प्रभा? वो क्या कहती थी प्रभा बोलो? वो क्या कहती थी बोलो? प्रभा कहती थी कि इस हॉस्टल में रहकर पढ़ना ठीक नहीं है,
और ये बात तुम मुझसे छिपा रही? मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ। हॉस्टल में रहकर पढ़ना ठीक नहीं है, ये कौन सी खास बात है जो मैं आपसे छुपाऊंगी? ये खास बात है नहीं, हॉस्टल में रहकर पढ़ना ठीक नहीं है, ये क्या बात है, क्या मतलब इसका? मतलब आप देख ही रहे हैं ना, प्रभा का मर्डर हुआ और इसी हॉस्टल में आज एक लड़की ने सुसाइड किया। मेरा तो यहां दम घुट रहा है। अच्छा नीलिमा, मुझे एक बात बताओ, जिस रात प्रभा का मर्डर हुआ था उस रात या उससे एक दो दिन पहले प्रभा की क्या एक्टिविटीज थी? वो बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे बार बार कहती थी कि मैं हॉस्टल छोड़ दूं। पहले दिन वो क्लास अटेंड करने भी नहीं आई। जब मैं क्लास अटेंड करके आई तब मैंने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं थी। दोपहर के बाद वो अपने कमरे में आई, मैंने उसे देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप में ही पत्थर बन चुकी थी। रात को वो डिनर करने भी नहीं आई। जब मैं डिनर करके आई तो मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पे थी और फिर मैं सो गई ठीक 1:30 बजे, जब मेरी नींद टूटी तब मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं बहुत घबरा गई, घबराहट के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब दूसरी लड़कियों के साथ मैं नाश्ता करने पीछे हॉल में आई तब मैंने चैनल पे उसकी लाश मुझे ये बताओ, क्या प्रभा इससे पहले भी रातों को अपने रूम से गायब हो जाती थी? मुझे कुछ नहीं पता। यह हत्या का मामला है नीलिमा, क्या तुम्हें प्रभा से जरा भी हमदर्दी नहीं? मुझे प्रभा की मौत से बहुत सदमा पहुंचा। उसके व्यवहार से लगता था जैसे वो मेरी बहन है। तो फिर मेरी मदद करो कि मैं प्रभा के हत्यारों तक पहुंच सकूं। मुझे बताओ, कुछ छुपा मत, कम ऑन चल। मैं नहीं चाहती उसकी बदनामी हो। मतलब प्रभा कई बार रातों को हॉस्टल से गायब हो जाती थी। तो तुमने एक रूममेट होते हुए उससे कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ जाती है रात? नहीं, उसने कहा था कि वो बाहर जाने के लिए मजबूर थी। उसने मुझे बताया था कि वो बहुत जल्द हॉस्टल छोड़ने वाली है। वो मुझे भी कहती थी कि तुम हॉस्टल छोड़ दो। ओके। हॉस्टल की वार्डन होने के नाते आपसे पूछती हूँ कि मेरे हॉस्टल में रहने वाली हर एक लड़की की इंक्वायरी करने से पहले आपको मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। I'm sorry for that. वैसे मुझे आपसे भी पूछताछ करनी है। पूछना तो मुझे आपसे है,
कि इस हॉस्टल की लड़की का मर्डर हुआ है, तो उसके लिए आपने अब तक क्या किया है? देखिए मैडम, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगी तो हमारे काम में सुविधा होगी। मैं आपका किस तरह सहयोग कर सकती हूँ? प्रभा के बारे में बताकर। मैं क्या बता सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और इस हॉस्टल की बहुत ही सीनियर स्टूडेंट थी। उसके मर्डर से मुझे काफी दुख हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक वार्डन होने के नाते लड़कियों पर नजर रखना आपकी ड्यूटी। प्रभा पहले भी रात में हॉस्टल से गायब होती रहती थी, ये बात आपकी नॉलेज में आई थी कब? अगर ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में आया होता तो मैं उसको कब का रस्सीखेच कर चुकी होती। पर मैं इस हॉस्टल के वॉचमैन की शिकायत मैनेजमेंट को जरूर करूंगी कि रात के वक्त लड़कियां हॉस्टल से बाहर कैसे जाती थी। इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी वॉचमैन से कहीं ज्यादा आपके ऊपर है मैडम। What do you mean, Inspector साहब? आप इस हॉस्टल की वार्डन हैं और वो वॉचमैन। लड़कियों को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में जानकारी रखना आपका काम है, क्या मानो? और भी लड़कियां रात में हॉस्टल से बाहर जाती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह से मेरे हॉस्टल को बदनाम नहीं कर सकते। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे हॉस्टल की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभा की हत्या और सुधा की आत्महत्या, इन दोनों का कहीं संबंध हो और ये दोनों बातें एक हो? ये सब कुछ आपको पता लगाना है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मैडम, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें तलाशना, ये तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन वार्डन है यार, कल हॉस्टल चलाते हैं, जरा ध्यान रखिए लड़कियों पर, क्योंकि ऐसी सब घटनाओं से असर पड़ता है रेपुटेशन पे। खैर, हम बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ सर? जिस रात प्रभा का मर्डर हुआ, उस रात से दो दिन पहले प्रभा को एक ही नंबर से 9 बार फोन किया गया था और सेम नंबर से आत्महत्या करने वाली सुधा को उसकी मौत से एक दिन पहले 5 बार फोन किया गया। सर लेकिन सुधा ने तो आत्महत्या की है। निखिल, प्रभा की हत्या और सुधा की आत्महत्या के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों को इनकी मौत से पहले सेम नंबर से दर्जनों कॉल्स की गई थी, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नंबर राजनगर के किसी टेलीफोन बूथ का है ना? टाइम क्या हो? 7:30। ठीक है, अभी वक्त है हमारे पास, हमें तुरंत वहां चलना होगा। सर, सुधा के पेरेंट्स ने इंस्पेक्टर सावंत को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले उन्होंने सुधा को खबर दी थी कि उसकी शादी एक इंजीनियर लड़के से तय हो रही है, और अंगूठी पहनाने की रस्म के लिए उसे 4 दिन की छुट्टी लेकर घर आने को भी कहा गया था। सर, यहाँ परिवार वालों में तो खुशियां बांटी जा रही थी, लेकिन सुधा ने वहां आत्महत्या कर ली, और उनके परिवार वालों के मुताबिक आत्महत्या का कोई रीजन नहीं बनता है सर। कभी कभी आत्महत्या भी हत्या ही होती है। क्या मतलब सर? निखिल, हालात और परिस्थितियां पैदा करने वाले जब किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, वो आत्महत्या हत्या ही होती है।
हो सकता है सुधा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। खैर तुम लोग गाड़ी निकालो, हमें इसी वक्त राजनगर चलना है। राइट सर। यस सर। हाँ बोलो, भेज दो। कैन आई कम इन ऑफिसर? ओ आइए कर्नल साहब। ऑफिसर आई एम दलजीत, प्रभास फादर। आई नो दैट, प्लीज कम सिट। होने को कोई टाल नहीं सकता कर्नल साहब। शायद आप ठीक कहते हैं, लेकिन ऐसी होनी मेरी बेटी के लिए मौत बनकर क्यों खेली ये समझ में नहीं आता है। ये सब मेरी ही गलती थी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ये सब मेरी ही गलती थी ऑफिसर। प्रभा की लाश के पास जो रिवॉल्वर मिला है वो मेरा ही है। मैं ही रिवॉल्वर में नकली गोलियां भरकर रखा करता था। कैसा खेल खेला है किस्मत ने मेरे साथ। अगर रिवॉल्वर में असली गोलियां होती तो मेरी बहादुर बेटी उन लोगों को शूट कर देती जिन्होंने उसकी जान ली। मतलब प्रभा को आपने ही रिवॉल्वर दिया था? नहीं, 15 दिन पहले प्रभा एक दिन के लिए घर आई थी, वो चोरी से रिवॉल्वर अपने साथ ले गई। 3 दिन पहले मैंने देखा कि रिवॉल्वर गायब थी तो उसकी रिपोर्ट मैंने बठिंडा थाने में दर्ज करवा दी। तो इधर मेरी बेटी की हत्या से सारी स्थिति साफ हो गई। 15 दिनों में आपने पिछले 3 दिनों में ही अपना रिवॉल्वर देखा? तो प्रभा के हॉस्टल लौट जाने के बाद मैं अपनी बीवी के साथ 8 दिन के लिए देहरादून चला गया। देहरादून में मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है। कर्नल साहब एक बात समझ में नहीं है, आपने अपने असली रिवॉल्वर में नकली गोलियां क्यों भरी? यही तो किस्मत का खेल है अफसर। 1 साल पहले मेरी छोटी बहन अपने बच्चों के साथ 8 महीने के लिए मेरे घर रहने आई। बच्चे बड़े शरारती थे, उसमें से एक 10 साल के बच्चे ने अलमारी से रिवॉल्वर निकाल ली और खेलते खेलते चला दी। हम लोग गार्डन में चाय पी रहे थे, हम दौड़कर वहां पहुंचे। गोली से टीवी टूट चुका था और बच्चा फर्श पर गिरा हुआ था। बाकी बच्चे सहमे हुए खड़े थे। ये तो अच्छा हुआ किसी और को गोली नहीं लगी, पर उस घटना ने हमें हिलाकर रख दिया अफसर। तब से मैं रिवॉल्वर के चैम्बर में नकली गोलियां भरकर रखता था। लेकिन आप नकली गोलियां क्यों भरकर रखते थे? रिवॉल्वर खाली भी छोड़ा जा सकता था। हाँ, लेकिन चैम्बर में गोलियां भरी रहती हैं तो चैम्बर को जल्दी जल्दी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सर मेरी होशियारी ही मेरी बेटी की मौत का कारण बन गई। मैंने 40 साल फौज में रहकर देश की सेवा की, कई लड़ाइयां लड़ी, मौत को बहुत करीब से देखा, तब भी नहीं टूटा। लेकिन आज मैं टूट गया हूं पुत्र, टूट गया हूं। धीरे रखिए करण साहब। मैंने सुना है कि तुम एक कामयाब ऑफिसर, मेरी बेटी के हत्यारों को जरूर खोजना, जरूर खोजना, नहीं तो मैं समझूंगा कि अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मेरे रिवॉल्वर की नकली गोलियां हैं मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार। मैं आपको वचन देता हूं कर्नल साहब कि प्रभा के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कुछ काम था क्या साहब? फोन करना आपको। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। बाबू हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है।
आप पुलिस वाले दिखाई देते हैं साहब? बहुत होशियार आदमी मालूम होता है बाबू। तुम्हारे पीसीओ से दो मोबाइल नंबर के ऊपर 14 कॉल किए गए दो दिन में। 14 कॉल? ध्यान से मेरी बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। ये दो मोबाइल नंबर हैं, पहले ध्यान से सुनो, इन दो मोबाइल नंबर पे 14 फोन किए गए तुम्हारे पीसीओ से। साहब अब क्या बोलेगा साहब, यहाँ पर बहुत सारा ग्राहक आता है साहब, किस किस को ध्यान रखेगा साहब? अपना दो दिन में एक ग्राहक 14 फोन तुम्हारे बूथ से करता है, ऐसा ग्राहक तो तुमको याद होना चाहिए। देखो मुझसे कुछ छुपाना नहीं। नहीं साहब, अपन चोरी थोड़ी किया है। एक ऐसा ग्राहक जिसने पिछले दो दिनों में दो मोबाइल नंबरों पर 14 बार टेलीफोन किया है और हर फोन कॉल की ड्यूरेशन तकरीबन 2 या 3 मिनट है, ये सब मिला लिया जाए तो कितना हुआ? 1 घंटा। टुकड़ों में ही सही, लेकिन वो आदमी तुम्हारी नजरों के सामने 1 घंटे रहता है, तो ऐसे ग्राहक की शक्ल तो तुमको याद होनी चाहिए। कौन था वो? कैसे याद रखेगा साहब, लड़की लोग आता है साहब, अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है, मैं उधर मुंह करके बैठता है साहब, उधर पे अभी जास्ती चालाकी नहीं करने का अपने साथ। हाँ, इस आदमी ने 1 फोन नहीं किया, 2 फोन नहीं किया, 14 फोन किया। कितना फोन किया? 14। ऐसा ग्राहक तेरे को याद होने मांगता, अगर अपन से कुछ छिपाएगा ना बहुत बुरा होएगा तेरे लिए। नहीं साहब, मैं आपसे कुछ छुपाएगा नहीं साहब, अभी कुछ मुझे याद नहीं साहब, मुझे मैं आपको कल बताता हूँ साहब, याद करके अच्छी तरीके से। सर दो नंबर पर किसने फोन किया मैं आपको कल बताता हूँ साहब। ओके, अभी ये दोनों नंबर अपने पास रख। ठीक है सर। अच्छे से सोचने का, याद करने का, मेरे को उस आदमी का पूरा उल्टिया मांगता है और उस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा साहब। तो मैं आया था तेरे पास उसके लिए। ठीक। हेलो, मैं बाबू बोल रहा हूँ, वो पुलिस वाले आए थे। हाँ सब काम हो गया है, मैं दुकान बंद करके आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। गली में गया सर, वो हमारी गाड़ी नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, हम गाड़ियां छोड़ते हैं। कम ऑन, कट डाउन। Whoa!